हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम गॉस के प्रमेय का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, जो कि गॉस का अनुप्रयोग है। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके किसी खोखले आवेशित गोलाकार चालक के बाहर सतह पर और अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कैपिटल आर त्रिज्या का खोखला गोला ले लेते हैं और खोखला गोला के सतह पर स्मॉल क्यू आवेश समान रूप से वितरित है और इसके कारण इसके बाह्य बिंदु, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके बाहर माने बाहर स्थित बिंदु है P1, सतह पर स्थित बिंदु है P2 और इसके अंदर अर्थात अंदर वाला बिंदु है P3। इन तीनों बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस खोखले आवेशित गोले के कारण, ठीक है। तो हम सबसे पहले P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि इस खोखले आवेशित गोले के बाहर स्थित है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो P1 बिंदु से देखिए, O बिंदु को केंद्र मानकर P1 बिंदु से होकर गुजरने वाला एक सकेंद्रीय गोला का कल्पना करते हैं और यह गोला कहलाएगा गौसीय तल, ठीक है। और बिंदु P1 को अंतरित करने वाला एक क्षेत्रफल हम अल्प क्षेत्रफल लेते हैं डी। बिंदु P1 को अंतरित करने वाला एक अल्प क्षेत्रफल लेते हैं डीए और यह क्या कहलाता है, गौसीय तल कहलाता है। P1 बिंदु को O बिंदु से मिलाने वाला लाइन यहाँ पर देख सकते हैं, स्मॉल आर लंबाई का है, अर्थात P1 बिंदु की O बिंदु से दूरी है स्मॉल आर। अब P1 बिंदु पर इस गोलीय आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो OP की दिशा में हो E, और P1 बिंदु पर क्षेत्र DA के लंबवत अगर कोई लाइन खींचते हैं, मतलब कि P1 बिंदु पर खींचा गया अभिलंब भी इसी दिशा में है, अर्थात क्षेत्रफल सदिश DA और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच 0° कोण है, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश DA के बीच कोण कितना है, तो 0°, थीटा इक्वल टू 0°, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्षेत्र DA से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, है ना। तो क्षेत्र DA से संबद्ध विद्युत फ्लक्स D5 इक्वल टू EDA cos थीटा, थीटा के जगह पर कितना लिख दें, तो EDA cos 0°, हो गया EDA cos 0° का वैल्यू हो गया 1। तो D5 इक्वल टू कितना हो गया, E into DA, ठीक है। अब कुल फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। ये जो गौसीय तल है स्मॉल आर त्रिज्या का, जो गौसीय तल है जो कि बिंदु P1 से होकर के गुजर रहा है, इस पूरे गौसीय तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो गौसीय तल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाता है, तो D5 को इंटीग्रेट करेंगे, और चूंकि ये बंद तल है ना, तो बंद तल है इसलिए इसको हम गोल ऐसे घेर देते हैं। गोल घेर देने का मतलब हो गया बंद तल समाकलन या क्लोज इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, या बंद समाकलन का, ठीक है। तो D5 का मान रखते हैं E into DA रख दिए, E को बाहर, हाँ यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन है ना, और DA को अंदर, ठीक है। तो DA को समाकलन करेंगे तो पूरे गौसीय तल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरा गौसीय तल है कितना, पूरा गौसीय तल का क्षेत्रफल, गौसीय तल का त्रिज्या है कितना, स्मॉल है, ठीक है।
तो स्मॉल आर त्रिज्या के गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr² इंटू 4πr² ये हो गया संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, लेकिन गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करने पर हम लोग क्या पाते हैं, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, है ना। तो फाई के जगह पर हम लोग लिख रहे हैं, फाई के जगह पर क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू ई इंटू 4πr², है ना। तो कहने का मतलब ये है कि गॉस फाई जो है ना, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके फाई के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब देखते हैं ई इक्वल टू निकाल रहे हैं हमको, फाइनली क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं ई इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, 4πr² जाके नीचे चला जाएगा बटन, तो 1/4πr², तो ये हो जाएगा 1/4πr² हो गया, एप्सिलॉन जीरो है तो उसको रख दिए, इंटू क्यू बाई r². ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का बिंदु P1 पर। P1 बिंदु कहाँ है, आवेशित गोलीय चालक के बाहर स्थित है, है ना। तो उस बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई इतना। ठीक है, तो हम सबसे पहले केस 1 को सोल्व किए, है ना। अब हम केस 2 को सोल्व करते हैं, कहां पर है, सतह पर, बिंदु जब सतह पर है तो उस स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है बिंदु P2 पर। ठीक है, तो बिंदु P2 कितना दूरी पर है, इसको पहले हटा देते हैं, P3 को बाद में हम लेंगे। अब देखिए बिंदु P2 हम यहाँ पर ले रहे हैं, P2 कहाँ ले रहे हैं, सतह पर, ये जो कैपिटल आर त्रिज्या का आवेशित चालक है, गोलीय चालक, उसके सतह पर बिंदु P2। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जब बिंदु P2 या कोई भी बिंदु जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम करना चाहते हैं, वह अगर गॉसीय ये जो आवेशित चालक है उसके सतह पर, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, यदि बिंदु P2 आवेशित चालक के सतह पर हो तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। इसे कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं, तो रख करके देखते हैं क्या होता है, ई इक्वल टू 1/4πε₀ क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय चालक के सतह पर। अब देखते हैं कि चालक के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित हो, जैसे ये हो गया आवेशित गोलीय चालक, ठीक है, और इस पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, और इसके अंदर कोई बिंदु है पी, देखिए वो बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर ये बिंदु है पी, और यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ज्ञात करनी है। तो P बिंदु से होते हुए एक समाक्षीय गोलीय गौसीय तल की कल्पना करते हैं, देखिए समाक्षीय नहीं संकेंद्रीय, ठीक है, P बिंदु से होते हुए एक संकेंद्रीय, संकेंद्रीय का मतलब हुआ कि इस गौसीय तल का जो केंद्र है और वृत्त का ये जो गोला का केंद्र है, दोनों कहाँ पर है, O बिंदु पर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आवेश बाहर है, आवेश बाहर है, इस गोलीय गौसीय पृष्ठ के आवेश बाहर है। ठीक है, तो
तो हम लोग गॉस के प्रमेय में पढ़े थे, गॉस के प्रमेय के बाद, कि जब आवेश गौसीय पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो उस गौसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ठीक है, तो ये गौसीय तल है और गौसीय तल के बाहर आवेश वितरित है। ठीक है, तो इसके कारण गौसीय तल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब फाई इजक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा बराबर जीरो। ठीक है, तो E इजक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो बटा ई ये डी ए कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा E इजक्वल टू जीरो, है ना। मतलब गौसीय तल अगर अंदर है, मतलब बिंदु P गोलीय चालक के अंदर स्थित है, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर कितनी हो गई, शून्य हो गई। अब जरा सा हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो आवेश है पूरे गोलीय चालक पर समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो अब यदि हम लेते हैं कि गोला पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, गोला पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा है तो Q बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सिग्मा इजकल टू Q बाई ए, तो Q इजकल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, और गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr2। ठीक है, तो A इजकल टू कितना है, लेकिन A इजकल टू 4πr2। ठीक है, इसलिए सिग्मा इजकल टू कितना, सिग्मा नहीं, Q इजकल टू कितना हो जाएगा, Q इजकल टू सिग्मा ए के जगह पर 4πr2। अब इसको मान हम देखिए, अब इसको हम रख रहे हैं सबसे पहले समीकरण एक में। ठीक है, तो P1 बिंदु पर हम लोग क्या पाते हैं, P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजकल टू 1π4πε0 Q बाई, Q के जगह पर हम लोग को क्या लिखना है, 4π कैपिटल आर का स्क्वायर बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, देखिए 4π4π कट गया और यहाँ पर सिग्मा इंटू 4π2 था ना, सिग्मा भी लिख दे रहे हैं, सिग्मा इंटू 4π2, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इजक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो और कैपिटल आर का स्क्वायर बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और वही मान हम क्यू के जगह पर सिग्मा इंटू 4πr2 अगर रखते हैं, कहाँ पर, कहाँ पर रखते हैं, तो दूसरा समीकरण में। ठीक है, मैंने जब बिंदु कहाँ पर हो, गोलीय चालक के सतह पर स्थित हो, उस समय अगर हम देखें तो E इजकल टू कितना हो जाएगा, P2 बिंदु पर E इजकल टू कितना हो जाएगा, वन बाई, यहाँ पर देख सकते हैं 1π4πε0 क्यू के जगह पर सिग्मा इंटू 4πR2 बाई कितना है, R2। तो R2 कर दे रहे हैं, देखिए R2 से R2 कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो गोलीय चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, या हम इस तरह समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं, E कैपिटल इक्वल टू 1π4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और गोलीय चालक के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1π4πε0 क्यू बाई R2, तथा अगर पृष्ठ घनत्व के रूप में अगर हम लेते हैं तो वो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर का स्क्वायर बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो कि स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, इस आवेश से उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो हम सबसे पहले एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू वो बिंदु पर मानते हैं और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम स्मॉल आर त्रिज्या का एक गौसीय तल, गोलीय गौसीय तल की कल्पना करते हैं जिसका केंद्र है ओ, जिसका केंद्र कौन सा है ओ है। ठीक है, तो ओ बिंदु को केंद्र मानकर पी बिंदु से होकर गुजरने वाला एक गोलीय गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, और पी बिंदु को अंतरित करने वाला एक अल्प क्षेत्रफल ले लेते हैं डी ए। ठीक है, ये बिंदु डी पी को अंतरित करने वाला अल्प क्षेत्रफल है डी। अब देख सकते हैं कि पी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, ओपी को मिलाने वाले लाइन के अलोंग, मतलब ओ को पी बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है उस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और पी बिंदु पर गोलीय गौसीय तल के सतह पर अगर हम लंब डालते हैं तो उस लंब की दिशा में क्षेत्रफल सदिश की दो दिशा होती है और हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों समान दिशा में है, अर्थात दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो डिग्री। ठीक है, इसलिए हम क्षेत्र डी ए से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होता है, तो ई डी ए कॉस थीटा के जगह पर कितना, जीरो डिग्री लिख दिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि ई डी ए कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू वन होता है, तो हो गया ये ई इंटू डी ए। और स्मॉल आर त्रिज्या के गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, फोर पाई आर स्क्वायर ना, तो फोर पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर कितना, डी फाई इक्वल टू है ना, तो डी फाई इक्वल टू ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग पूरा डी ए का समाकलन करने पर नहीं आएगा, तो कुल यहाँ पर हमको लोग को लिखना चाहिए, यहाँ पर यह तो डी फाई हो गया। अब पूरे गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फाई इजकल टू डी फाई का समाकलन करना चाहिए। ठीक है, डी फाई का समाकलन कर लेते हैं, तो समाकलन करने पर कितना आता है देख सकते हैं यहाँ पर, ई इंटू डी ए, तो ई को बाहर निकाल देंगे और डी ए को समाकलन करेंगे, बंद समाकलन है तो देख सकते हैं E इंटू डी ए, डी ए का बंद समाकलन पूरा गौसीय पृष्ठ के लिए, तो गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब के फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है ना। अब गॉस का प्रमेय का उपयोग अगर हम करते हैं, गॉस के प्रमेय से फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो फाई के जगह पर हम रख रहे हैं क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, तो देख सकते हैं यहाँ पर ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो फोर पाई आर स्क्वायर में से, देख सकते हैं यहाँ पर, तो हो गया E इक्वल टू वन बाई फोर पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, नहीं स्मॉल आर नहीं लेंगे यहाँ पर, फोर पाई एप्सिलॉन जीरो है तो एप्सिलॉन जीरो यहाँ लिखते रहे हैं और यहाँ पर Q बाई आर स्क्वायर है नीचे तो आर स्क्वायर लिखते रहे। ठीक है, तो ये हो गया बिंदुवत आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। ठीक है, तो ये गॉस के प्रमेय से जितने क्वेश्चन थे उसका अनुप्रयोग था वो सारा कुछ समाप्त हो चुका है। हाँ, एक चीज और ध्यान देना होगा, जो समतल आवेशित चालक बताए थे ना, समतल आवेशित चालक के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको हम लोग कूलम्ब का प्रमेय भी कहते हैं। उस क्वेश्चन को एक और तरीका है पूछने का, कूलम्ब का प्रमेय करके पूछता है, उसको
इसको क्या कहते हैं, कूलम का प्रमेय, है ना। तो इसमें उलझना नहीं है, अगर किसी समतल चालक, समतल आवेशी चालक के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आवे या कूलम का प्रमेय आवे, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।